खबर शामिल करते हैं डोकरी से, जहां टाउन कमेटी के मुलाजमी ने तनख्वाह से कटौती के खिलाफ काम छोड़कर हड़ताल करके टाउन कमेटी में एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस मौके पर रहनुमाओं फयाज सुमरो, कोड़ल मंगी और दीगर ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इमदाद खोकर टाउन ऑफिसर तैनात होते हैं, मुलाजमीन की बिलाजवाज तनख्वाहों से कटौती की जा रही है जो कि मुलाजमीन के साथ जुल्म है। टाउन के मुलाजमीन कचरा साफ करके शहर को साफ सुथरा बनाते हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती करके मुलाजमीन पर एटम बम गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कटौती वापस नहीं की जाती हड़ताल जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि बरसात में हमारे घर टूट चुके हैं, इनका अजाला देने के बजाय एक एटम बम गिराया गया, तनख्वाहें पहले ही कम है और उनमें से भी कटौती की जा रही है, हम अब फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। वजीर आला सिंध बल्दियात मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह, बल्दियाती सिंध सेक्रेटरी और हदायती सेक्रेटरी जमीर हुसैन अब्बासी से अपील करते हैं कि टाउन कमेटी डोकरी और यहाँ की अफसरान को हटा दिया जाए और हमारी कटौती की हुई तनख्वाहें वापस ली जाए और डोकरी टाउन कमेटी में ईमानदार अफसर मुकर किया जाए।